जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे हम, तो ये जो रोज़गार आप यहाँ पर दे रहे हैं या पर सरकार द्वारा जो दी जा रही है, ये उस पर कैलकुलेट होता है या नहीं? जो लोग भी निजी क्षेत्र में रोज़गार चाहते हैं, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ITI पास हैं, डिप्लोमा धारक लोग हैं, या जो सामान्य लोग हैं जो सामान्य मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, ये जो नियोजन मेला है इसमें सबसे पहले एक बायोडाटा चाहिए होता है। वो लोग, मैं ये कहूँगा कि आप अपना बायोडाटा लेकर आएँ, ठीक है, या एक सादे कागज़ पर अपना बायोडाटा लिख लें, कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंटेड उसको लेकर आने की। सर, पिछली बार जो यहाँ पर रोज़गार मेला लगा था, यहाँ पर कई सारे बच्चे आए थे, उनका कहना था कि यहाँ पर रोज़गार तो दिया जा रहा है, लेकिन रोज़गार के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ लोग धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। धोखाधड़ी कहने का मतलब ये था कि रोज़गार के लिए बुलाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग के नाम पर उनको बुलाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं, और जो उनका जो वेतन तय किया जाता है वो उनको नहीं दिया जाता है। इसमें मेरी पूरी टीम ने करीब 37 कंपनियों को, निजी क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित किया है और करीब 2000 से अधिक रोजगार देने का काम हम लोग करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष कुमार और आप देख रहे हैं सिल्क TV। अभी हम जिला स्कूल भागलपुर के परिसर में मौजूद है और आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह की तैयारी चल रही है, क्योंकि विगत 6 एवं 7 जुलाई को यहाँ पर रोजगार मेला का आयोजन किया जाएगा। इसी को लेकर के विस्तृत जानकारी यहाँ पर देंगे आपको सहायक निदेशक भरत जी राम हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानेंगे इसके विस्तृत जानकारी। सर, ये क्या आयोजन है और यहाँ पर क्या होने वाला है, तैयारी हो रही है? थैंक यू आशीष जी इस तरह के मीडिया कवरेज के लिए। ये बेरोज़गारी दूर करने का बिहार सरकार का एक सरकारी प्रयास है और इसका नाम है नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला। ये 2 दिवसीय मार्गदर्शन और नियोजन मेला है, रोजगार मेला है, जिसमें मेरी पूरी टीम ने करीब 37 कंपनियों को, निजी क्षेत्र की कंपनियों को आमंत्रित किया है और करीब 2000 से अधिक रोज़गार देने का काम हम लोग करेंगे। इसमें विभिन्न सेक्टर्स के लोग आएंगे, इसमें रोज़गार देंगे। निजी क्षेत्र में रोज़गार चाहने वाले जो भागलपुर प्रमंडल के जितने भी हमारे युवा साथी हैं, उनको एक खुला आमंत्रण है कि आप जिला स्तरीय, इस प्रमंडल स्तरीय जो नियोजन मेला है जिला स्कूल के प्रांगण में, जो 6 और 7 जुलाई को सुबह 10:30 बजे इसका उद्घाटन होगा जिलाधिकारी महोदय के द्वारा, और मैं चाहूँगा, अपील करना चाहूँगा कि अधिक से अधिक संख्या में आकर रोज़गार की तलाश में जो लोग भटक रहे हैं वो इसका पूरा फ़ायदा उठाएं, क्योंकि हमारी पूरी टीम ने काफ़ी मशक्क़त करके करीब 37 एम्प्लॉयर्स को बुलाया है, और मैं चाहूँगा कि मीडिया के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से ये संदेश हर युवा तक पहुँचे ताकि इसका लाभ उठा सके सभी लोग। सर, तो इसमें किस तरह के अभ्यर्थी यहाँ पर आ पाएंगे, क्या योग्यता होनी चाहिए, इसकी पूरी जानकारी थोड़ी देते तो? बिल्कुल, हम लोगों ने एक ऐसा रेंज रखा है जिसमें नॉन मैट्रिक से लेकर उच्चतर योग्यताधारी हर सेक्टर के लोग यहाँ पे, जो लोग भी निजी क्षेत्र में रोज़गार चाहते हैं जी, जैसे जो लोग कुशल युवा कार्यक्रम में KYP कर चुके हैं उनके लिए एक अच्छा अवसर है, जो लोग कंप्यूटर से रिलेटेड काम करना चाहते हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो ITI पास हैं, डिप्लोमा धारक लोग हैं, या जो सामान्य लोग हैं जो सामान्य मैट्रिक किए हैं, इंटर किए हैं, उनके लिए भी सेल्स में, सिक्योरिटी में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और इस तरह के बहुत सारे जॉब हैं जो निजी क्षेत्र में जो सामान्यतः स्थानीय स्तर पर भी और राज्य स्तर के एम्प्लॉयर्स को भी हम लोगों ने आमंत्रित किया है। अच्छा सर, जैसा कि पिछले बार भी यहाँ पर आपने इसी परिसर में जॉब फेयर का आयोजन हुआ था और वो काफ़ी सफल भी रहा था, भीड़ भी बहुत थी यहाँ पर, और कई अभ्यर्थियों का ये भी कहना था कि यहाँ पर मतलब रोज़गार तो मिल रहा है लेकिन जो हम लोग चाह रहे हैं उस प्रकार का कुछ ऐसा नहीं है कि उच्चतर शिक्षा के बच्चे भी यहाँ पर आकर के अपना रोज़गार ले पा सकें। बिल्कुल, मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारा दायरा बिल्कुल सीमित होता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कोशिश किया है कि जितने स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर हो सकें और राज्य स्तर की अच्छी अच्छी कंपनियों को हम लोगों ने
आमंत्रित किया है ताकि उच्चतर योग्यताधारी, पिछली बार जैसे बीटेक जैसे एम्प्लॉयर्स के लिए भी हम लोगों ने एम्प्लॉयमेंट दिया था, तो ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि उच्चतर योग्यताधारियों के लिए हम लोग प्रयास नहीं करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे बीटेक किए हुए उम्मीदवारों को, एमबीए किए हुए उम्मीदवारों को हम लोगों ने जॉब दिया है। तो जिनके पास प्रोफेशनल डिग्री है, टेक्निकल डिग्री है और सामान्य डिग्री है, सबके लिए कुछ ना कुछ अवसर हम लोगों ने कोशिश किया है कि वो लोग आएँ और यहाँ पे उसका फ़ायदा उठाएं। जी सर, मैं एक बार और मतलब बताना चाहूँगा कि यहाँ पर दर्शकों को आप बता दें जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको कि वो किस तरह का डॉक्यूमेंट और कागजात लेकर आएंगे जिससे यहाँ पर उन्हें आसानी होगी जॉब पाने में। बिल्कुल, मैं ये सबसे पहले बताऊँगा कि ये जो नियोजन मेला है इसमें सबसे पहले एक बायोडाटा चाहिए होता है। वो लोग, मैं ये कहूँगा कि आप अपना बायोडाटा लेकर आएँ, ठीक है, या एक सादे कागज़ पर अपना बायोडाटा लिख लें, कोई ज़रूरत नहीं है प्रिंटेड उसको लेकर आने की, सादे कागज़ पर भी कोई अपना बायोडाटा। लेकिन शर्त ये है कि एक NCS पोर्टल होता है, नेशनल करियर सर्विस, भारत सरकार का पोर्टल है, तो नेशनल करियर सर्विस पर उसको हम लोग NCS के नाम से जानते हैं, NCS रजिस्ट्रेशन। तो हर उम्मीदवार का NCS रजिस्ट्रेशन जिसका है वैसे लोगों को हम लोग खुला आमंत्रण देते हैं। अगर जिनका निबंधन नहीं है NCS पोर्टल पर, वो लोग भी हमारा काउंटर बना रहेगा, मे आई हेल्प यू काउंटर पे, आप वहाँ फॉर्म जमा करेंगे, आपका NCS रजिस्ट्रेशन ऑन द स्पॉट हो जाएगा और उनको भी मौका दिया जाएगा। तो ये अनिवार्यता है, उसके साथ आप अपना डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो कॉपी लाएँ जिसमें डेट ऑफ बर्थ हो, आपका अंतिम क्वालिफिकेशन हो, टेक्निकल या प्रोफेशनल जो भी हो, उसका छाया प्रति लाना है, ओरिजिनल प्रति की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे उम्मीदवारों को ऑन द स्पॉट नियुक्ति पत्र मिलता है, कुछ एम्प्लॉयर्स को एग्ज़ाम लेना होता है, इंटरव्यू कंडक्ट करना होता है, उसके लिए हम उनको जगह उपलब्ध कराते हैं जिला में ही, मतलब इसी प्रमंडल स्तर पर ही हम उनको, हम नहीं चाहते हैं कि हमारे जो भी कैंडिडेट्स हैं वह इंटरव्यू देने के लिए भागलपुर से बाहर जाएँ। तो ये प्रयास हमारा रहता है कि हम सब कुछ प्रक्रिया यहीं पर अपनाएं ताकि हमारे भागलपुर प्रमंडल के जितने भी अभ्यर्थी हों उनको लाभ मिले, उनको परेशानी नहीं हो किसी भी तरह का। और इस तरह का जो आयोजन है 2 दिवसीय नियोजन सह व्यावसायिक मार्गदर्शन मेला का, उसका लाभ उठाएं। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं कि इसका नाम चूँकि है नियोजन और व्यावसायिक मार्गदर्शन, तो इसमें बिहार सरकार के बहुत सारे विभाग भी यहाँ पे भाग लेते हैं और उनके द्वारा संचालित जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उन योजनाओं से भी उनको रूबरू कराया जाता है ताकि लोग उसका लाभ उठा सकें। हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी अवेयरनेस की कमी है, युवा साथियों को बहुत सारी योजनाओं के बारे में जानकारी नहीं होती है, तो हम लोग यह भी काम करते हैं कि विभिन्न विभागों को मिलाकर और उद्यमिता विकास, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट के लिए जो भी कार्यक्रम है या सरकार के द्वारा चलाई जा रही जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उनके बारे में उनको जानकारी दिया जाए ताकि उसका भी लाभ उनको मिल सके। सर, पिछली बार जो यहाँ पर रोज़गार मेला लगा था, यहाँ पर कई सारे बच्चे आए थे, उनका कहना था कि यहाँ पर रोज़गार तो दिया जा रहा है लेकिन रोज़गार के नाम पर कहीं ना कहीं कुछ लोग धोखाधड़ी भी कर रहे हैं। धोखाधड़ी कहने का मतलब ये था कि रोज़गार के लिए बुलाते हैं और वहाँ ट्रेनिंग के नाम पर उनको बुलाते हैं और ट्रेनिंग देते हैं और जो उनका जो वेतन तय किया जाता है वो उनको नहीं दिया जाता है। आशीष जी, इस तरह का कोई मामला मेरे सामने तो नहीं आया है, लेकिन अगर आप को अगर इस तरह की शिकायत मिली है तो आप ये ज़रूर कहें कि इसकी लिखित सूचना हमारे कार्यालय को मिले। जी, हालांकि मैं आपको बता दूं, कई बच्चों के मन में ये सवाल था सर, इसलिए मैंने आपसे पूछा यहाँ पर ऑन कैमरा। क्योंकि ऐसा कोई मामला आया नहीं है, लेकिन हम लोग पूरा इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ठगी का कोई भी मामला नहीं हो, हमारे जितने भी आवेदक हैं उनको किसी भी तरह वो विक्टिम नहीं बने किसी चीज़ों का। और इसलिए हम लोग हमेशा से ये कहते भी हैं और हमारा बैनर पोस्टर भी लगता है कि यह नियोजन मेला पूर्णतः निःशुल्क है, प्रवेश से लेकर आपके अंतिम चयन तक की जो प्रक्रिया होती है यह पूर्णतः निःशुल्क है। अगर यहाँ पे कहीं भी किसी के द्वारा अगर एक पैसे की मांग की जाती है तो वह पूर्णतः गलत है, तो इसका प्रचार प्रसार हम लोग पहले ही कर देते हैं। अच्छा, तो अगर किसी कैंडिडेट को किसी भी असर पर पैसे का डिमांड उनके द्वारा किया जाता है ये पूर्णतः गलत है जी, तो उनकी सूचना आप हमें दें, हम एक्शन लेंगे उन लोगों पर। हालांकि इस बार विभाग ने बिल्कुल स्ट्रिक्ट SOP बनाया है और उसके अकॉर्डिंग, उस मार्गदर्शन के अकॉर्डिंग ही हम लोग काम कर रहे हैं उस पर, और स्ट्रिक्टली उसी के आधार पर जितने भी एम्प्लॉयर्स हैं उसका हम लोगों ने चयन किया है, जिसमें
वो लोग किसी भी तरह का धोखाधड़ी नहीं कर सके। अंतिम सवाल सर, मतलब थोड़ा लीग से हटकर है, थोड़ा पॉलिटिकल भी हो सकता है क्योंकि ये सरकारी कार्यक्रम है। एक मैं पूछना चाहूँगा कि जैसा कि तेजस्वी यादव जी ने कहा था कि 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे हम, तो ये जो रोज़गार आप यहाँ पर दे रहे हैं या पर सरकार द्वारा जो दी जा रही है, ये उस पर कैलकुलेट होता है या नहीं होता है? देखिए, हम लोग सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार काम करते हैं और ये जो परमंडल स्तरीय नियोजन मेला है, यह एक प्लान है, एक योजना है, सरकार की योजना है। और आपने देखा होगा पिछले वर्ष, उसके भी पिछले वर्ष, मतलब ये कि योजना के तहत चलता है। अच्छा अच्छा, तो यह एक सरकारी कार्यक्रम है, सरकारी योजना है। बिल्कुल मैं इससे मना नहीं करूंगा कि इसमें रोज़गार को काउंट किया जाता है कि नहीं, लेकिन ये जो रोज़गार हम लोग प्रदान करते हैं, ये सरकार के डाटा में काउंट किया जाता है कि किस क्षेत्र से कितने लोगों ने रोज़गार दिया। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि भागलपुर का जो रैंकिंग बना था, है ना, उसमें एक समय था भागलपुर रोज़गार देने में पूरे बिहार में नंबर वन स्थान प्राप्त किया था। ठीक है, अभी भी बता दूं कि अभी जो ज़िले की रैंकिंग बनी है, ओवरऑल रैंकिंग, उसमें भागलपुर का बहुत बड़ा छलांग लगाकर हम लोग आगे आए हुए हैं, 32वें स्थान से 5वें स्थान पर, जो कल की रैंकिंग जारी की गई है। अच्छा, तो टॉप 10 टॉप 5 में आना भागलपुर के लिए गौरव की बात है। और इस उपलक्ष पर जो नियोजन मेला है, मैं चाहूँगा कि मौसम अगर प्रतिकूल भी होता है तो हमारे युवाओं के पास इतना जोश होना चाहिए कि इस नियोजन मेला में आए, इसका भाग लें, और भाग ले करके इसमें बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिलता है। एक तो एम्प्लॉयर्स लोकल भी होंगे और बाहर से भी आते हैं, दूसरा उनको इंटरव्यू देने की एक कला का ज्ञान होता है, तीसरा कि जो प्रबुद्ध लोग आते हैं उनके द्वारा उनका व्यावसायिक मार्गदर्शन भी किया जाता है। मतलब हम लोग बिल्कुल एक सामान्य कल्चर से हटकर, एक ट्रेडिशनल वे से हटकर, बिल्कुल प्रोफेशनल वे से इस मेले का आयोजन कर रहे हैं। तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है, देख ही रहे हैं आप। तो मैं यहीं अंततः अपील करूंगा हमारे परमंडल स्तर या फिर कितने लोग यहाँ पे, अगर चाहें बिहार के कोई भी नागरिक यहाँ पे भाग ले सकता है, इंसीएस पोर्टल पर उसका रजिस्ट्रेशन हो। और सामान्य तरीके से आपने, आपको बताया मैंने, एक बायोडाटा उनको रखना है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लाने की ज़रूरत नहीं है। वो अपॉइंटमेंट के समय अगर मांगा जाता है तो सिर्फ उनको दिखा देना है, जमा भी नहीं करना। और एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, एनसीएस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, लेकिन अगर जिसका नहीं है वो भी आमंत्रित है, उनको ऑन द स्पॉट वो रजिस्ट्रेशन हम लोग करवाएंगे। धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ भरत जी राम सर, सहायक निदेशक भागलपुर। और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर चारों ओर तैयारियाँ बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, पिछले बार की तरह इस बार भी भीड़ होगी, लेकिन मौसम का साथ रहा तो यह कार्यक्रम भी सफल रहेगा। धन्यवाद आपका सिल्क टीवी को देखने के लिए। अगर आप भी जॉब फेयर में हिस्सा लेना चाहते हैं तो 6 एवं 7 जुलाई को भागलपुर के जिला स्कूल परिसर पहुँचे और यहाँ आकर जॉब पा सकते हैं। धन्यवाद।